के लेके टोली गाल रंग वालो भौजी लेना रंगानी झकरा मारे झुलानी साड़ी ला सराए हो झकरा। Hey guys, welcome back to my channel टेक्निक। तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और होली लेफ्ट राइट मूविंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर। तो ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपने भी सेम टू सेम प्रीव्यू के जैसा ही एक होली लेफ्ट राइट मूविंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिट कर सकते हो। और हाँ गाइस, इन सभी का मटेरियल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे मटेरियल डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग BN एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वरना इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहां से BN ऐप को ओपन करना, इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपकी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को होली का 7 से लेकर 8 फोटो ऐड कर लेना है। अगर आपके पास होली का इस तरह का फोटो नहीं है, फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और यहां से आप लोग 7 से 8 फोटो को यहां से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा। आने के बाद ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना, साइज को यहां से 9x16 कर देना, देन एक बार आप लोग स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब आपको यहां पर वीडियो के लास्ट में आ जाना है। यहां पर लास्ट में आओगे तो एक वाटरमार्क दिखेगा, इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है, तो यहां से क्लिक करके इसको यहां से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद यहाँ से वीडियो के फर्स्ट में आ जाएंगे, अपनी फोटो को यहाँ से अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आप लोग अपनी फोटो पर क्लिक करना एंड यहाँ से फोटो को थोड़ा बहुत यहाँ से आप लोग जूम कर लेना, कुछ इतना आप लोग जूम कर लेना। अब जूम करने के बाद यहाँ से आप लोग को इसमें लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग एक की फ्रेम का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां से आप लोग अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ाना, यहां से आप लोग को 1 सेकंड आगे बढ़ाना है एंड यहां से आप लोग बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोग अपने फिंगर से फोटो को एक साइड में कर देना कुछ इतना। अब इतना हो जाने के बाद यहां से आप लोग टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना, आधा यहाँ से बढ़ा लेना। अब बढ़ाने के बाद यहाँ से आप लोग कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड में इसको स्क्रॉल कर देना। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको टाइमलाइन को लेके आना है करीब, यहाँ से आप लोगों को 2 सेकंड से कम ही लेकर आना है एंड यहां से आपको पकड़ना है कुछ इस तरीके से, एक साइड में इसको स्क्रॉल कर देना है। अब आपको टाइमलाइन को एंड में लेके आना है एंड कुछ इस तरीके से यहां पर एंड में लेकर आओगे एंड इसको पकड़ के अपने फिंगर से राइट हैंड साइड में कर देना। इसी तरह आपको लेफ्ट और राइट वाला एनिमेशन अपनी फोटो में ऐड कर लेना है। फर्स्ट वाली फोटो में मैंने ऐड कर लिया है, अब आपको सेकंड फोटो में ऐड करना है, तो यहाँ से आप लोग फोटो पर क्लिक करिएगा एंड यहाँ से आप लोग को फोटो को कुछ इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेना है। अपने फोटो को पकड़ के अपने फिंगर से इस तरीके से जूम कर लेना। जूम करने के बाद फोटो को आप लोग एक साइड में कर देना, कुछ इतना आप लोग कर देना एंड करने के बाद यहाँ से आप लोग की फ्रेम के ऑप्शन पर जाना एंड टाइमलाइन को यहां से आप लोग बढ़ा लीजिएगा, 1 सेकंड से कम ही बढ़ाना एंड कुछ इस तरीके से फोटो को पकड़ के आप लोगों को यहां से राइट हैंड साइड में स्क्रॉल कर देना है कुछ इतना। अब इतना स्क्रॉल हो जाने के बाद टाइमलाइन को 1 सेकंड से कम ही थोड़ा सा और बढ़ाना एंड यहां से आप लोग पकड़ के इसको एक साइड में कर देना। अब टाइमलाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना 2 सेकंड से कम एंड यहाँ से आप लोगों को फोटो को पकड़ के राइट हैंड साइड में कर देना। अब आपको टाइमलाइन को लास्ट में लेके आना है फोटो के एकदम एंड में एंड यहाँ से पकड़ के अपने फिंगर से इसको एक साइड में स्क्रॉल कर देना। इसी तरह आप लोगों को हर एक फोटो पर करना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से मैं लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड कर दिया हूँ, हर एक फोटो में जितना फोटो ऐड किया था यहाँ से मैं लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हो छोटा छोटा प्लस का आइकन दिख रहा है 2 फोटो के बीच में, इसमें आप लोग को एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आप लोग को प्लस के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा। आप लोग को यहाँ से किसी एक को सेट कर लेना है, मैं यहाँ पर जूम 1 वाले को सेट कर लेता हूँ एंड सेट करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको वीडियो को थोड़ा सा और बढ़ाना है एंड देखोगे तो यहाँ भी एक छोटा सा प्लस का आइकन है, तो इस पर भी आप लोग को क्लिक करना है एंड जूम 2 वाले इफेक्ट को आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जितना प्लस का आइकन दिखेगा आप लोग को सब पे आपको इफेक्ट को ऐड कर देना है। इसी तरह आप लोगों को शेक 1 वाले को सेट कर लेता हूँ एंड यहाँ से डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह आप लोग को प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को इफेक्ट को ऐड कर लेना है। जितना आपका यहाँ पर देखे आपको इफेक्ट एक एक करके आप लोग को ऐड कर लेना है, तो जल्दी से यहाँ से मैं ऐड करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से मैं सभी में इफेक्ट को ऐड कर दिया हूँ प्लस के आइकन पर, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। अब इतना हो जाने के बाद वीडियो के फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पर आप लोग को एक वाइट शेडो को ऐड कर देना है, इसका डाउनलोड फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद प्लस के आइकन पर जाना एंड वीडियो फोटोज़ के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आप लोग को फोटो के ऑप्शन पर ही रहना है एंड यहाँ से आप लोग वाइट शेडो को आप लोग ऐड कर लेना। तो मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा फिल का, इस पर क्लिक
करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना एंड यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीन करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देख सकते हो आपका व्हाइट शैडो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। अब आपको वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है एंड यहाँ पर देखोगे तो व्हाइट शैडो का जो लेंथ है फुल वीडियो में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना एंड यहाँ से वीडियो एंड कर देना। ये आपका हर एक फोटो में यहाँ से आपका व्हाइट शैडो लग जाएगा। तो इतना आपको कर लेना है। इतना हो जाने के बाद वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है, यानी यहाँ पर आप लोग लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना। लिरिक्स वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है तो प्लस के आइकन पर जाना एंड वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर जाना। वीडियो के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आप लोग लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर देना। बड़ा करके यहाँ पर आप लोग नीचे साइड में कुछ इस तरीके से ऐड कर देना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका ये लिरिक्स वीडियो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लग जाएगा एंड गाइस आपका कंप्लीट वीडियो यहाँ से बन के रेडी हो गया है, सेम टू सेम प्रीव्यू के जैसा जिस तरह का वीडियो आपने देखा था। तो चलिए यहाँ से मैं एक बार प्ले करके वीडियो को आप लोगों को और दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कंप्लीट हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई है। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है तो यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। देन वहाँ से किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे किसी और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।